तीन मैच में 7 रन मार दिया था। क्रेजी है भाई। भाई मेरे को तो आइडिया नहीं है कि जो उधर क्या बसड़ चल रहा है, क्या सीन चल रहा है, तो अपन कुछ बोलने वाले है नहीं। बट जितना मुझे पता है कि जी डिसबैंड हो गई है एंड आई थिंक मायावी इज नो मोर अ पार्ट ऑफ जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो नो आइडिया। बट डोंट यू थिंक कुछ टीम्स का एलिमिनेट होने के बाद हेट बहुत कम हो गया और कम्युनिटी बहुत साफ है अब। आर्यन सोम, हर एक बंदा गलती करता है अपने लाइफ में यार। किसी को दो चांस, सेकंड चांस देना जरूरी है। कुछ कुछ लोगों को आप 100 चांस दे दो, बट लेट देम बी अ बेटर पर्सन। क्यों हम किसी को ड्रैग करें? गलती की है, लोग सीखते हैं, समझते हैं, मैच्योर होते हैं, विथ टाइम चीजें सीखते हैं, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग सीखते हैं। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी आ गई तो हम जल्दी सीख गए चीजें। सो यस, नो हेट टू एनीवन, वी हैव नो एनिमीज एट द एंड ऑफ द डे ब्रदर। सो हेट तो बस वही है कि फैलाते हैं जो किसी के फैन बेस है नहीं। सो आप लोग को समझना चाहिए कि हेटर्स जो होते हैं यार, वो लोग किसी के फैंस है नहीं, और जो खुद करते हैं, जो क्रिएटर या टीम करता है, सो आई थिंक वो विथ टाइम सुधर जाएगा। DRS को सपोर्ट किया था, वो तो क्वालिफाई नहीं हो गई, अब आपकी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं PMGC में, क्वालिफाई हो जाओ भाई। अब पहले इंडिया में हमें जीतने दो यार, इंडिया में सीखने दो, ये जॉब ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, खुशी होने वाली कोई चीज़ नहीं है। स्टिल द क्वालिफिकेशन राउंड, हम फाइनल्स में नहीं पहुंच गए या फिर फाइनल्स में कुछ झंडे नहीं डाले अभी तक हमने, तो ये फिलहाल तो अभी बस रिफाइनिंग स्टेज है इंडिया के ई स्पोर्ट्स का, BGMI का। सो इस बार जो BGMI का जो टॉप 16 टीम जाने वाली है, दे आर गोना बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। वो समझ लो कि वो मेरे हिसाब से तो इतने ज्यादा राउंड से, लोअर ब्रैकेट, अपर ब्रैकेट, फलाना डिपाना, इतना सारा टर्म्स है, उसके बाद जो टॉप 16 टीम निकलेगी, आई फील आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट्स इंडियाज टॉप 16 टीम। दैट इज इंडियाज टॉप 16 टीम जो भी इस बार BGMI का टॉप 16 जाएगी। क्योंकि तुम सोचो ना यार कि लोअर ब्रैकेट से भी चांस मिल रहा है आपको, फिर अपर ब्रैकेट से आप जो क्वालिफाई होकर जा रहे हो, लोअर ब्रैकेट से भी लोग टीम क्वालिफाई होकर जा रही है, मतलब सबको सेकंड चांस मिल ही रहा है। सो 100% भाई, किसी की फैन फेवरेट टीम आई है, अगर तुमको खराब लगे तो खराब लगने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट मैं यही बोलूंगा जो फैक्ट है वो फैक्ट है यार। इस बार का जो प्रोसेस है बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोसेस।